समझी साजिश के तहत उनके काफिले को रोका गया और अचानक रोड से जाने का कार्यक्रम बना। तो आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम पड़ा कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत, सरकार नहीं चाहती थी कि सरदार भगत सिंह के स्मारक पर जाकर वो माल्यार्पण करें, तो सरकार ने मिलकर उनके काफिले को रुकवा दिया। IVTV देखता है इंडिया। पंजाब में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद जो है देश की सियासत कहीं ना कहीं तेज हो गई है और इस पर जो है बातें सामने आ रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से देखते हैं इसको, जो काफिले को रोका गया, देश के प्रधानमंत्री काफिले को रोक कर रख 20 मिनट तक समझी साजिश के तहत उनके काफिले को रोका गया, क्योंकि उनको जाना था हेलीकॉप्टर से, मौसम खराब होने के कारण वो जा नहीं पाए और अचानक रोड से जाने का कार्यक्रम बना। तो आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम पड़ा कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे हैं? तो कहने की सरकार की मिली भगत, सरकार नहीं चाहती थी कि सरदार भगत सिंह के स्मारक पर जाकर वो माल्यार्पण करें, और इसलिए सरकार ने मिलकर उनके काफिले को रुकवा दिया। उस ब्रिज पर 20-25 मिनट प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, अंत में उनको कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो ये कोई नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और उनकी सुरक्षा में अगर कोई चूक होती है तो ये देश की सुरक्षा में चूक के समान है। कांग्रेस नेता है फुर्जेवाला, उन्होंने कहा है जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो था हेलीकॉप्टर से था, इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा है। फुर्जेवाला को क्या मालूम, प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम बनता है तो बिना सूचना के बनता है क्या? पहले हेलीकॉप्टर से था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण रोड से तय हुआ। और प्रधानमंत्री का जब कोई कार्यक्रम बनता है तो पूरी उसकी सूचना दी जाती है, ऐसा थोड़ी है कि आप और हमारा जैसे अचानक PM का काफिला चल दिया। तो सुरजेवाला अगर कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और जो कुछ हुआ है बहुत ही क्षुद्र राजनीति, बहुत ही गलत है। ये चाल हो सकती है, मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस को डर है कि पंजाब में उसका सुपड़ा साफ नहीं हो जाए, और अमरिंदर सिंह और BJP का जो गठबंधन बना है तो वो एक बहुत मजबूत गठबंधन, उसको रोकने के लिए इस प्रकार की साजिश की गई है। बिल्कुल, ये हमारे साथ सुशील कुमार मोदी जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। तो अब जिस प्रकार से काफिले को रोका गया उसको लेकर के जो है तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे IVTV। सुशील के साथ अनुसूज, IVTV पटना। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशा जी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई ना कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशा जी बंगाली। बाबा पाशा जी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशा जी बंगाली।